हेलो बच्चों, आइए अपने नेक्स्ट लेसन पे आते हैं। लेकिन सबसे पहले एक मेन बात, आपको ध्यान होगा सबसे स्टार्टिंग में जब हमने इस बुक को स्टार्ट किया था अकाउंट्स की, तो हमने एक बात डिस्कस की थी, क्या रेशियो में चेंज होना पॉसिबल है। हमने कहा था जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। उसके बाद किस वजह से इस रेशियो में चेंज आ सकता है, वहाँ पे बच्चों हमने इसके पांच रीजंस को डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले था म्यूचुअल कंसेंट, है ना, आपसी सहमति से चेंज हो जाता है। उसके बाद था एडमिशन, कोई नया बंदा बिजनेस में आ सकता है, ये भी दो लोग पहले थे, सी आ गया। थर्ड, कोई आ सकता है तो कोई छोड़ के भी तो जा सकता है, ठीक बात है ना। उसके बाद डेथ का एक केस आया था, हालांकि यहाँ भी वो हमें छोड़ के ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब वो हमें छोड़ के गया था वो तो जिंदा था, यहाँ पे उसकी डेथ होगी तो उसने जाना ही जाना है। लास्ट एक केस बच्चों आया था अमलगमेशन का, जहाँ दो बिजनेस मिलके आपस में एक बन जाते हैं, ठीक है। इसमें से जो हमने सबसे पहले किया था अपना लेसन सेकंड, वो ये था। रिसेंट हमने जो किया है थर्ड, वो ये किया था। इसके बाद आज हम अपने नए टॉपिक पे आते हैं, ठीक है जी। तो इस लेसन में क्या-क्या बातें हमने सीखनी है, पहले ना वो देख लो। एग्जाम्पल दे दूँ एक छोटा सा, ए बी सी तीन लोग थे, सी चला गया, जाने की वजह क्या हो सकती है, जाने की वजह बच्चों हो सकती है जी एज होगी, 60 या 65 का हो गया, अब काम नहीं होता जी, अब मैंने छोड़ना है, ठीक है। सेकंड, अच्छा इसके अलावा हो सकता है उसको कोई मतलब फिजिकल इशू हो गया हो, जैसे हैंडीकैप हो जाना किसी एक्सीडेंट में, या मेंटली कोई अपसेट हो जाता है, या हो सकता है कि उसे लगता हो कि भाई यहाँ उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, उसकी बजाय अकेले की कोई शॉप बनाई जाए तो उसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो भी हो सकता है छोड़ के जाए। चलो क्यों छोड़ के जाएगा वो उनका खुद का इशू है, ठीक है, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें तो बस ये देखना है कि जब सी जाएगा हमें छोड़ के, जिंदा है ध्यान से, जब सी हमें छोड़ के जाएगा तो हमें अकाउंट्स में क्या-क्या छेड़खानी देखनी है, यहाँ पे क्या-क्या होगा, किस-किस जगह एडजस्टमेंट्स होंगी, हमें सब कुछ यहाँ पे देखना है। तो पहले आपको एक बात बता दूँ, थोड़ा एडमिशन के साथ जो अभी हमने लास्ट लेसन किया था उसके साथ इसको देखते हैं कि क्या-क्या नई बातें हमने सीखनी हैं या क्या-क्या बातें सेम भी हो सकती हैं। वहाँ सबसे पहले टॉपिक क्या था बच्चों, आप न्यू रेशो निकालते थे, यहाँ भी सेम है, ठीक है ना। ए बी सी तीन लोग हैं, सी चला गया, तो जो बचेगा जो कमाएंगे वो ए बी दो लोगों में बटेगा, रेशियो चेंज होगा, चेंज होगा तो नया क्या होगा वो आपको निकालना पड़ेगा बच्चों। अच्छा सेकंड कौन सा था, यहाँ पे हम क्या निकालते थे कि किसने कितना लॉस खाया है। अब यहाँ सी के जाने से, जैसे देखो ए बी सी तीन लोग हैं, सी चला गया, तो अब सी का हिस्सा किसको मिल जाएगा, इन दोनों को ना, सी का हिस्सा इन दोनों को मिलेगा, तो इन दोनों को गेन होगा, तो यहाँ पे बच्चों कंसेप्ट आएगा किसका, गेनिंग रेशियो का। ये कैसे निकालते थे, ओल्ड माइनस न्यू, ये कैसे निकालोगे, न्यू माइनस ओल्ड। उसके बाद यहाँ पे बात आती थी किसकी, गुडविल की, यहाँ भी किसकी बात आएगी बच्चों, गुडविल की, थोड़ा सा चेंज आएगा, वो क्या आएगा देख लेंगे। उसके बाद यहाँ कंसेप्ट कौन सा था, एक्यूमलेटेड बैलेंस का, यहाँ पे भी कौन सा आएगा, एक्यूमलेटेड बैलेंस का। फिफ्थ कंसेप्ट यहाँ पे हमने डिस्कस किया था बच्चों, रीवैल्यूएशन किसका, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, यहाँ भी सेम कंसेप्ट आपको लेके चलना है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो टॉपिक तो आप देख सकते हो सेम है। सिक्स्थ टॉपिक यहाँ पे कौन सा था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यहाँ भी कौन सा आएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब तक तो सब कुछ सेम है, ठीक है ना, बस एक नई बात आएगी, वो क्या आएगी, पेमेंट या सेटलमेंट। जैसे सी छोड़ के जाएगा तो उसका जितना हिस्सा बनता है उसको देना तो पड़ेगा ना, तो यही पेमेंट या सेटलमेंट आपका नया कंसेप्ट है, बाकी ऑलमोस्ट बच्चों यहाँ पे सेम है,
जो चेंज आना है किस कंसेप्ट में, जैसे यहाँ पे जो गुडविल वो लाता था, एबीसी तीन लोग थे, सी गुडविल आया वो किसको मिलेगी, ए बी को, ठीक बात है ना। अब यहाँ पे एबीसी तीन लोग हैं, सी चला गया, तो सी को उसके हिस्से की गुडविल देनी पड़ेगी, कौन देगा, ए एंड बी। वो अपन टॉपिक जब आएगा तो डिटेल में सीखेंगे, फिलहाल ये थोड़ा सा बेसिक था कि इस लेसन में हमने क्या क्या सीखना है। टोटल बच्चों ये 7 टॉपिक्स हैं, ठीक है जी। इसके बाद देखिए बच्चों, सबसे पहला टॉपिक आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको निकालना है न्यू रेशो, ठीक है। यहाँ कितने केस हैं, टोटल 3 केसेस हैं बच्चों जो आपको यहाँ पे सीखने हैं, इसके 3 केस टोटल हैं। आइए पहला केस देखते हैं। पहले केस में क्या है, मैं ना तीनों केस का आपको थोड़ा बेस बताता हूँ, उसके बाद इसके जो सम्स हैं वो देख लेंगे। पहले केस में क्या होगा, ए बी सी तीन लोग हैं, रेशो क्या है इसका, 3-2-1, सी चला गया। अब सी के जाने के बाद जो सी का हिस्सा है वो किसको मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा ए एंड बी को, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले जो इनकम 3 लोगों में बंटती थी, अब वही इनकम 2 लोगों को मिलेगी, ठीक है ना। तो जब सी जाएगा तो सी ने तो लॉस खाया ना, सी अपना हिस्सा किसको देके गया, ए एंड बी को, ठीक है। लेकिन कितना देके गया वो हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, हमें बस ये बताया है कि सी चला गया, ए बी सी 3 लोग हैं, रेशियो 3-2-1 है, सी चला गया, बताओ ए बी का न्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, ये जो इनका 3-2 बचेगा ना, इसी को ही आप क्या मान लेना, न्यू, ठीक है। जैसे अब 3-2-1 है, हमने कहा बी चला गया, बताओ ए सी का न्यू क्या होगा, हम कहेंगे 3-1, ठीक है। 3-2-1 है, हमने कहा ए चला गया, बताओ बी सी का न्यू क्या होगा, आप कहोगे 2-1। मतलब जो पहले वाला बच गया ना उसी को ही आप क्या मान लो बच्चों, न्यू मान लो। ऐसा कब होगा, जब हमें पता है जो बंदा जाएगा सी जाएगा तो सी का हिस्सा किसको मिलेगा, ए बी को, ये बात हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट किसको कितना मिलेगा हमें इस बात को नहीं बताया गया, तो जो पहले वाला इनका हिस्सा है ओल्ड वाला उसी को ही आप बच्चों क्या मान लो, न्यू मान लो। सेकंड केस आता है, ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है, 3-2-1 है, सी चला गया। सी के जाने के बाद सी का जो हिस्सा है वो ए एंड बी ने इक्वल इक्वल बांटा, मतलब इक्वली लिया। ये कौन सा केस होगा बच्चों, ये होगा सेकंड केस, ठीक है। थर्ड केस, ए बी सी 3 लोग हैं, सी चला गया, सी के जाने के बाद सी का हिस्सा ए बी को मिलना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो सी का हिस्सा ए एंड बी ने अलग अलग लिया, मतलब अनइक्वल, कैसे लिया बच्चों, अनइक्वल लिया, अलग अलग, मतलब ए ने ज्यादा ले लिया बी ने कम, या बी ने ज्यादा ले लिया ए ने कम, ठीक है जी। तो ये 3 केस बच्चों यहां पे आते हैं। अब ना या तो कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट केस में, सेकंड एंड थर्ड में ना एक कॉमन बात आप लेके चलो, ठीक है। मान लो एक्स के पास कुछ अमाउंट है, कितना, ओनली 500, ठीक है। अब इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं, या तो हो सकता है एक्स किसी को दे दे, या हो सकता है एक्स किसी से ले ले। मान लो एक्स को कहीं से 200 मिल गए, तो बताओ एक्स के पास नए कितने हो गए, 700 ना। एक्स ने 300 किसी को दे दिए तो एक्स के पास बाकी कितने बचे, 200। 300 दे दिए तो बाकी कितने बचे, 200। मतलब बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं, जब भी आपको न्यू रेशियो निकालना हो तो दो बातें बहुत कॉमन सी हैं, जब आपने किसी को हिस्सा दिया है तो वो लेस कीजिए, जब आपके पास कहीं से हिस्सा आया है तो वो प्लस कीजिए। अब यहाँ पे ए एंड बी का न्यू कैसे निकालोगे, जितना पहले है प्लस जितना सी से मिला है आपका न्यू आ जाएगा। कैसे आएगा, आइए वो सम में देख लेते हैं, ठीक है जी। ये आपका सम है बच्चों, फर्स्ट सम देखिए, पहला सम बिल्कुल आसान, पहला केस है जो भी मैंने आपको बताया, एक्स वाई जेड 3 लोग हैं, ठीक है, रेशो क्या है इनका, 3-2-1, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट न्यू रेशो व्हेन। 3 केस हैं, सबसे पहले कौन गया बच्चों,
एक्स। सबसे पहले कौन गया? एक्स। अब एक्स चला गया, 3 2 1 में से एक्स चला गया, तो वाई जेड का बाकी क्या बचा? 2 1 ना, ये 2 1 आ गया। मान लो वाई चला गया इसमें से, तो 2 निकाल दो, एक्स एंड जेड का न्यू क्या बचेगा? 3 1। जेड चला गया तो इनका क्या बचेगा बच्चों? 3 2। ये होता है बच्चों आपका फर्स्ट केस, जो अभी अभी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में समझाया, यहां भी आपका बच्चों बिल्कुल सेम है। इसके बाद अपने सेकंड केस पे आते हैं, ये थोड़ा काम का है। क्या चीज है वो देख लो पहले, स्टेटमेंट इसकी, ए बी सी तीन लोग हैं, ए बी सी, रेशो क्या है इनका? ये वाला, ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहां, ए बी सी क्या हो गया इनका बच्चों? 1/2 इसका है, 1/6 ये हो गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो सेम तो नहीं है ना, पहले इसका एलसीएम लेके ना इसको इक्वल बना लो, ये आ जाएगा आपका 3 2 1 आ गया ना। अब ये कौन सा हो गया? ओल्ड, 3 2 1। देखते हैं आगे क्या कहता है, फाइंड आउट द न्यू रेशो। आपको न्यू निकालना है कब? जब कौन गया है? बी चला गया, मतलब वही बात है, बी जाएगा तो बी का हिस्सा किसको मिलेगा? ए एंड सी को, ठीक है ना। बट यहां पे हमें बताया नहीं गया कि ए कितना लेगा सी कितना लेगा, तो बी चला गया तो ए सी का न्यू क्या हो गया बच्चों? 3 1। यहां भी आपका फर्स्ट केस ही हो गया, ठीक है ना बच्चों, बस यही बात है सेकंड सम में भी। इसके बाद हम अपने नए सम पे आते हैं, ठीक है, नए सम की जो स्टेटमेंट है पहले आप उसको देखिए क्या कहना चाहता है। ये देखो बच्चों क्या चीज है, ए बी सी 3 लोग हैं, ये इनका दिया हुआ है रेशो, कौन से वाला? ओल्ड वाला, ए बी सी, ये कौन सा है इनका? ओल्ड रेशो, डन जी। कौन चला गया? बी, ये बी चला गया यहाँ पे। एंड जो बी का हिस्सा है, अब वैसे आप बताओ, बुक को छोड़ो, आप बताओ कि बी का हिस्सा किसको मिलेगा? ए एंड सी को। तो कहते हैं बी का हिस्सा वाज डिवाइडेड, बट गया इक्वली, इक्वली बट गया बिटवीन ए एंड सी। हाँ जी, यही तो सेकंड केस था ना, यही तो सेकंड केस था कि जो बी है, बी का जाने के बाद बी का हिस्सा किसको मिला? ए एंड सी को। कैसे कैसे मिला बच्चों? इक्वली मिला। तो इसका मतलब बी का हिस्सा ए को कितना मिला? बी का हिस्सा पहले है कितना? ये इसका हाफ, इक्वली का मतलब हाफ मिल गया, ये मिल गया बच्चों किसको? बी को। तो बताओ बी का नया कितना आएगा? नहीं, ए को मिला है ना, तो बताओ ए का नया कितना आएगा यहाँ पे? पहले कितना ए का? 5/12 प्लस यहाँ से कितना मिल गया? जो मिला वो ऐड हो जाएगा, तो 10+14/24, ठीक है जी। जितना था उसमें जो मिल गया, ठीक है ना, वो प्लस हो जाएगा, ए का न्यू आ गया। इसके बाद बी का हिस्सा सी को कितना मिला है बच्चों? सेम ही मिलेगा ना, जितना ए को मिला है उतना ही किसको मिला बच्चों? सी को। तो सी का न्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे? पहले कितना है ये, प्लस जो मिल गया वो ऐड, तो कितना आएगा ये? 6+10/24, ठीक है। तो न्यू क्या आ गया इनका? 14, 10 कटेगा तो कितना आ गया? 7/5। ये सम है बच्चों आपका, ठीक है। ए बी सी 3 लोग हैं, बी चला गया, बी का हिस्सा ए एंड सी नहीं इक्वली लिया, इक्वली का मतलब हाफ हाफ, तो बी का जितना हिस्सा है उसका हाफ ए ने ले लिया, उसका हाफ बच्चों बी ने ले लिया। देखिए ध्यान से, कोई भी दिक्कत आए तो उसको साथ साथ पूछना है, ठीक है जी।
हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सम पे आते हैं। क्या कहता है? ए बी सी तीन लोग हैं, ठीक है। अच्छा, रेशो भी आपको दिया हुआ है। चलो जो दिया हुआ है ना, पहले आप उसको लिख लो। ए बी सी है, ये हो गया कौन सा इनका ओल्ड। कौन गया अभी यहाँ पे? सी छोड़ के चला गया। सी का हिस्सा टेकन अप बाय ए एंड बी, वो तो हमें पता ही था भाई। सी जाएगा तो सी का हिस्सा ए एंड बी ही लेंगे, लेकिन कैसे? 3:2 के रेशो में। मतलब सी का हिस्सा ए बी ने किस रेशो में लिया है? 3:2 में। कौन सा केस आ गया? थर्ड केस आ गया। अच्छा, अब निकाल लेते हैं। पहले निकाल लो कि ए को कितना मिलेगा। ए विल गेन, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी ना, वो सी से निकलेगी। अब सी का हिस्सा है कितना? ये अमाउंट है सी का। इसमें ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा इतना इस रेशो में ना, तो 3/5 आ गया। मतलब ए को कितना मिला बच्चों? 9/60। उसके बाद अब बताओ ए का नया कितना आया। एक बहुत कॉमन सी बात मैंने आपको बताई, जितना पहले है उसमें जो मिल गया वो ऐड कीजिए, आपके पास आपका न्यू आ जाएगा। ए का पहले कितना है बच्चों? 5 है। 5/12 प्लस मिला कितना है? 9/60। एलसीएम लो, 60 आ गया। तो 25 + 9 ये आपका आ गया ए का न्यू। बहुत आसान है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बी को कितना मिला है। बी विल गेन। बी का कितना है बच्चों? सी का है जितना, उसमें बी को कितना मिला? 2 मिला ना। 3:2 में लेना है तो इसका मतलब सी के हिस्से का 2/5 कौन ले जाएगा? बी। 6/60। तो बी का नया निकाल लो, 20 न्यू, ठीक है। कितना पहले कितना है बी का? ये बी का जो ओल्ड है। अच्छा, जितना मिल गया वो क्या हो जाएगा इसमें? प्लस कितना आएगा ये? 20 + 6, 26/60। अब ए का नया आया था ये, बी का 26/60। तो आपका ये बच गया न्यू, 2 पे कट हो जाएगा 17/13 का, ठीक है ना जी। तो इस वे से आप इसको निकाल सकते हो सम्स को। ये बच्चों आपका थर्ड केस था। तो पहला केस जब आपको कुछ भी नहीं बताया गया कि सी का हिस्सा ए बी कितना कितना लेंगे। सेकंड केस जब आपको बताया गया है सी का हिस्सा ए एंड बी इक्वल लेंगे। एंड थर्ड केस जब आपको बताया गया है सी का हिस्सा ए एंड बी अनइक्वल लेंगे। बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है, इसका हिस्सा है, आप एग्जांपल लेते हैं 40 40 20। हमने ये कहा सी चला गया, सी का हिस्सा ओनली किसने ले लिया? ए ने। सी का हिस्सा ओनली किसने लिया बच्चों? ए ने। तो इसका मतलब ए का कितना आ जाएगा नया? 60। बी का सेम चलेगा। हालांकि ये केस कौन सा होगा? होगा तो ये भी थर्ड केस, क्योंकि ये भी किस में काउंट होगा बच्चों? अनइक्वल में। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो गेनिंग है ना, वो ओनली किसी एक बंदे ने ही की हो बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पहला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। टोटल इस टॉपिक के जो सम्स हैं वो हैं 1 to 7, ठीक है। एंड टॉपिक का जो नाम हो गया वो हो गया कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ठीक है जी। कोई दिक्कत आए किसी भी टाइप से तो आप कभी भी पूछ सकते हो।